हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौहान और आप देख रहे हैं राहुल फिनिटी। और आज मैं खेल रहा हूँ स्टंबल गाइज। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है और मैंने इसको बस एक दो बार ही खेला है अब तक। तो यहाँ इतनी भीड़ थी, मुझे यही नहीं पता था कि मैं कौन सा हूँ, इसलिए मैंने स्लाइड की यहाँ पे। और अब मुझे पता चला है मैं नीचे गिर गया। फिर से करते हैं और शायद इस बार मैं कर पाऊँगा। नहीं नहीं, बस साइड में नहीं गिरना, आराम से करना है। नहीं, और तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन है और मैंने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है। अभी तक किसने क्वालिफाई नहीं किया है, तो शायद मैं पहुँच जाऊँ और इससे भी बच गया। ये आइस बॉल कहाँ से आ गई, तो बिल्कुल इसने मुझे टक्कर मारी और मुझे बाहर निकाल दिया। फिर से देखते हैं और इस बार मैं इससे बच जाऊँगा। और बच गया मैं, और दूसरी बार भी बच गया। तो मैं सोच रहा था मेरा करेक्टर यहाँ पे रुक जाएगा, पर ये फिसलता फिसलता बाहर गिर गया। तो अब मुझे यहाँ पे लगातार भागना होगा बिना रुके अंधाधुन। और मैंने पार कर लिया जंगली सांड की तरह फिसलते हुए। अब ये पार करना है और ये तो और भी हार्ड है। और मैं बच गया, इस बार भी ये बहुत हार्ड है। बस मैं कर लूँ, और मैं बीच में गिर गया दोनों के। दो ट्रैम्पोलिन थे, मैं कितना करीब था, मुझे उनके ऊपर उछल कर जाना था। और मैं फिर से गया। सात आदमी ने अब तक क्वालिफाई भी कर लिया है और मैं अब तक नहीं कर पाया। और मैं एक बार फिर से गया, किस्मत ही खराब है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अब तक 13 आदमी ने क्वालिफाई किया था, 16 की जगह थी, इन्होंने हम सबको पहले ही बाहर कर दिया। ये बोलने लगे कि तुमसे ये लेवल नहीं होगा, तो हम खुद तुमको बाहर निकाल रहे हैं। गजब बेइज्जती हुई मेरी, और जो साथ में लोग थे उनकी भी। तो ये नया गेम है और हम सबको न्यू मौका मिला है, देखते हैं इस बार क्या होगा। इस बार भी मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इतने लोगों में से मैं कौन सा आदमी हूँ। अब पता चल गया जब मुंह पे हथौड़ा मारा इन्होंने। नहीं, और नहीं पिटना, अब आगे जाना है और ये लेवल पार करना है। मैं उनसे आगे आ गया, अभी यहाँ भी आगे जाना है। और अब मुझे यहाँ पर भी आगे जाना है। अभी तक तो मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, इस बार मैं काफ़ी जल्दी पार कर लूँगा। मेरे बगल में दो आदमी थे और वो डंडा मुझे ही जाके लगा। लग रहा है इस बार फिर से मैं पिटूंगा। नहीं नहीं, इस बार नहीं गिरना, जंप मारनी अच्छी सी। और मैं फिर से गया, इस बार नहीं जाना, मतलब नीचे नहीं गिरना। और मैं फिर से गिर गया। पर अब तक एक ही आदमी ने ये लेवल क्वालिफाई किया है, मतलब कि दो आदमी ने कर लिया। और अब मैं भी हो जाऊंगा, अच्छा भी बहुत है। और मैं यहाँ पे हो गया, तो मैं तीसरे नंबर पे मैंने इस लेवल को क्वालिफाई किया है। वाह, इसका मतलब ये है कि बाकी के लोग मुझसे भी बुरा खेल रहे थे। इन्होंने 10 लोगों को चूज कर लिया, मतलब कि 6 लोग ऐसे थे जो इस लेवल को पार नहीं कर पाए। और गेम वालों को भी लग रहा होगा कि ये कभी लेवल को पार नहीं कर पाएंगे। तो अब आ गया अगला लेवल, लेजर ट्रेसर। तो देखते हैं अब क्या होगा। और ये लेवल भी मैं पहली बार खेल रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, तो इस लेजर के ऊपर से जंप करनी है, पर मेरी बारी आने से पहले ही मैं क्वालिफाई हो गया। तो एलिमिनेट एक हुआ, इसका मतलब ये है कि एक आदमी का इंटरनेट लो हो गया और इन्होंने उसको ऐसे ही निकाल दिया। देखते हैं अगला लेवल क्या होगा। और ये है हनी ड्रॉप, और इसको लेवल को भी मैं पहली बार खेल रहा हूँ, देखते हैं क्या होगा। बस मुझे ये पता है कि मुझे नीचे नहीं गिरना है, ऊपर चलते रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये कोई भी समझ सकता है लेवल को देखकर। मैं अच्छा कर रहा हूँ अभी तक, तो बस नीचे नहीं गिरना। और ये एक आदमी भी, अबे कितने नीचे गिर गया मैं, अरे क्या हो रहा है, मैं बहुत नीचे गिर गया। और अब नहीं गिरना, नहीं। तो बढ़िया, बच गया, ज़्यादा नीचे नहीं गिरा। हाँ, तो मैं सबसे नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर हूँ, इससे नीचे कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गया मैं लेवल हार जाऊँगा, मतलब ये गेम हार जाऊँगा। और मैं जीत गया, तो मैं आखिरी तक मैंने सर्वाइव किया और मैं इस गेम को जीत गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और अगर कुछ कहना हो, बोलना हो, बताना हो, पूछना हो, तो कमेंट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी अपना ख्याल रखना।